सियासी गलियारे से हलके की हकीकत तक, नेताओं के वादों से दावों की सच्चाई तक। मसला ओपीएस का हो, पीपीपी का हो, पोर्टल्स को लेकर बहुत बात होती है, ओपीएस को लेकर बहुत बात होती है, और इन तमाम चीजों को कांग्रेस पार्टी अपना ब्रह्मास्त्र मानती है। इससे पार पाने के लिए किस तरीके की तैयारियां? नहीं देखिए, किसी को कोई समस्या नहीं है। समस्या अगर हो सकती है तो कांग्रेस को हो सकती है, भूपेंद्र हुड्डा को हो सकती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और कहते हैं कि एक यूनिवर्सिटी बता दें। 2014 से पहले कितनी हरियाणा प्रदेश में यूनिवर्सिटी थी उसका ओन रिकॉर्ड है। छुट्टी को टिकट ना मिलना आखिरी कील ताबूत में, और आपने सोच लिया कि अब बस बहुत हुआ। हमेशा मैंने देखा कि हमारे साथ हमेशा ये होता है, आप गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करते, और जो आपके आसपास भी एक्सेप्ट कर लेते हैं उन्हें आप बाहर का रास्ता भी दिखा देते हैं। सोने की गिन्नियां तक आई वो वापस की। अब ये कहा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी ताल ठोक कर कह रही है कि हम जातीय जनगणना करेंगे। अब ये चाहते हैं कि पड़ोसी पड़ोसी लड़े। खबरों की सच्चाई से उठाएंगे हर पर्दा। अगर आप हिमाचल प्रदेश को देखें तो हिमाचल प्रदेश ने ओपीएस को लागू किया। आज हालांकि आर्थिक संकट वहां पर गहराया है कि ये चल ही नहीं सकते, तो कहने वाले कौन है ये? कांग्रेस। कांग्रेस अब इसको पलटने वाले कौन है? कांग्रेस। ये जो विरासत है देवीलाल की, इस विरासत के जो कई हकदार है। चौधरी देवीलाल जी एक इंस्टीट्यूशन, और उस इंस्टीट्यूशन को जिसने अपनाया है वो उनका वारिस। परिवारवाद को आप कैसे देखते हैं? तो अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, वकील का बेटा वकील बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आप बहुत करीबी बताए जाते हैं, उनकी कुछ ऐसी बातें थी जिससे आप उत्साहित हुए, ओतप्रोत हुए और वापसी की आपने? ये बात आपको किसी ने खास ही व्यक्ति ने बताई? खबर के पीछे क्या है राज की बात? आपने एक बयान दिया जिसे लेकर बहुत हो हल्ला हो रहा है, जिसमें आपने कहा कि हम रिश्तेदारों का, जो हमारी मदद कर रहे हैं उनका, और अपना घर भरेंगे, तो वो बयान क्या था? मैं उस बयान पे अडिग हूं। पैसे का खेल क्या है राजनीति में? क्या ये पैसे के खेल के बिना कुछ भी मुमकिन है? पहले खूब बांटेंगे, लोगों को साथ लगाएंगे, फिर वहां जाकर अपनी बोली लगा देंगे। हमारे दर्शकों के लिए कुछ ऐसी राज की बात बताएं जो आपके अनुभवों से जुड़ी हो, सामाजिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर। मैं कांग्रेस से संपर्क में हूं और पार्टी ज्वाइन करने वाला हूं। ये चीज बहुत लंबे समय तक मैंने अपने पिताजी से भी डिस्कस नहीं की। परिवार जो है वो हर जगह पर काम आता है, और परिवार से ज्यादा जरूरी एक वक्त में कोई नहीं रह जाता। जो देवीलाल जो तय करते थे कि दिल्ली में प्रधानमंत्री कौन बने। देखिए राज की बात राज ठाकुर के साथ शनिवार और रविवार रात 8 बजे।